आपको ये पता है कि दुनिया में बहुत से लोग हैं जिन्हें दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है, बट क्या आपको पता है कि ऐसे बहुत से लोग भी हैं जो जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं। माल नरिशमेंट जैसे एक प्रॉब्लम है, वैसे ही ओवर नरिशमेंट भी एक प्रॉब्लम है जिससे बहुत से लोग सफर कर रहे हैं। ओवर नरिशमेंट का क्या मतलब होता है? आप जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं। अब बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि वो जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में, कॉमन लैंग्वेज में लोग समझते हैं, नॉर्मली ये बिलीव करते हैं कि जो इंसान जरूरत से ज्यादा मोटा है, जो इंसान मोटा है जिसके शरीर पे ज्यादा चर्बी है, वो जरूरत से ज्यादा खा रहा है, शायद इसलिए वो मोटा हो गया है या मोटी हो गई है। बट ऐसा नहीं है। मोटापन या फिर ओबेसिटी जिसको हम कहते हैं, वो ज्यादा खाने से तो वो हो सकता है, बट उसके अलावा और भी कई सारे रीजन है जिसके वजह से आपको मोटापन या फिर ओबेसिटी आती है। फिर आपका जो बिल्ट है, बॉडी का जो बिल्ट है, वो सही है, मीडियम है, आपका बिल्ट जो है वो ओवर नहीं है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप जरूरत से ज्यादा नहीं खा रहे हैं। जब आप जरूरत से ज्यादा खाते हैं तो आप जरूरत से ज्यादा मोटे तो हो ही सकते हैं, उसके अलावा भी और कई सारे इफेक्ट्स आपकी बॉडी पे, आपकी आपकी लाइफ में दिखते हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो तीन सिग्नल्स जो आपको फॉलो करने चाहिए, और जब आपकी बॉडी आपको वो सिग्नल दे तो आपको अपना खाना वहीं रुका देना चाहिए, क्योंकि उससे ज्यादा अगर आप खाते हैं तो फिर आपको उसके दुष्परिणाम भोगने पड़ेंगे। सबसे पहला सिग्नल है, जब आप खाना स्टार्ट करते हैं, जब आपका खाना परोसा जाता है और आप खाना शुरू करते हैं, उस वक्त आपका मील आपको जितना टेस्टी लगता है, खाने के एंड में उतना टेस्टी आपको नहीं लगता है। आप खुद इस चीज को नोटिस किए होंगे कि जब आपको बहुत ज्यादा भूख लगी होती है तो कोई भी नॉर्मल चीज जो आप शायद बहुत बार पहले खाए होंगे वो आपको बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा भूख लगी है, आपकी बॉडी बहुत ज्यादा नरिशमेंट की डिमांड कर रही है, इसीलिए आपको हर चीज बहुत ज्यादा टेस्टी लगेगी। उसके कॉन्ट्ररी, जब आपका पेट भरा हुआ होगा तो वही चीज, कोई बहुत सारी अच्छी चीज भी आपको शायद उतनी टेस्टी नहीं लगती है। इसीलिए जब आप खाना स्टार्ट करते हैं तो आपको खाना जो है वो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगता है, और जैसे जैसे आपका पेट भरते जाता है उस खाने का स्वाद भी कम होते जाता है। और जब आप ये रियलाइज करें कि आपके खाने का स्वाद अब आपको कम आ रहा है, तो आपको समझना चाहिए कि अब हमें खाना जो है वो रुकाने का टाइम आ रहा है, मुझे अब इसके आगे खाना नहीं खाना चाहिए। दूसरा सिग्नल जो बॉडी देती है वो ये है कि आपके मन में एक डाउट आता है। सपोज आपको पहले खाना परोसा गया, आपने थोड़ा खाना फिनिश किया, उसके बाद आपने थोड़ा सा और सर्व किया आपने आपको, उसके बाद आपके मन में डाउट आ गया कि अब मुझे और राइस लूं या नहीं समझ नहीं आ रहा, या और रोटी खाऊं या नहीं ये समझ नहीं आ रहा। जब ये डाउट आपके मन में आता है, जब ये शंका आपके मन में आती है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपने पूरा जितना आपके शरीर को चाहिए उतना खाना आपने खा लिया है, और इसके आगे आपको खाने की जरूरत नहीं है। अगर आप खाते हैं तो वो आपके सिस्टम को ओवरलोड करेगा। और तीसरी फाइनल बॉडी सिग्नल जिसके बाद आपको डेफिनेटली स्टॉप कर देना चाहिए, वो है बर्थ, यानी कि जिसको हिंदी में हम ढिकार कहते हैं, मराठी में उसको ढेकर कहते हैं, और इंग्लिश में उसको बर्ब कहते हैं। जब आपको ढिकार आ जाए, पहली ढिकार जब आपको आती है, खाना खाते वक्त हमें ढिकार आती है, जब वो ढिकार आती है तो आपको खाना जो है वो रुका देना चाहिए, आपने जितना जरूरत है उतना ऑलरेडी खा लिया है, ये आपको समझ जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर आप जरूरत से ज्यादा खाएंगे तो क्या परेशानी होती है। आप जरूरत से ज्यादा मोटे होते हैं ये तो सबको पता है, ये हो सकता है, बट उसके अलावा और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे कि जब आप जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं तो उसको पचाने के लिए आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आप जो भी खाना खाते हैं उसको पचाने के लिए बॉडी को बहुत काम करना पड़ता है, और अगर आप जरूरत से ज्यादा खाएंगे तो वो काम और ज्यादा हो जाता है। इस वजह से बॉडी, हमारा जो शरीर, दूसरे प्रोसेस पे फोकस नहीं कर पाता है जो काम इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि जब आपके शरीर में कहीं कोई कट आ जाता है तो उस पे अगर आप कोई क्रीम ना भी लगाएं तब भी बॉडी अपने आप को हील कर देती है, आपको उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, छोटे मोटे घाव खरोच ऐसे ही ठीक हो जाते हैं। ऐसे ही बॉडी में अंदर भी कई सारी प्रॉब्लम्स होती रहती है, कई सारे वेयर एंड टेयर होते रहते हैं, कई सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसपे बॉडी को फोकस करना पड़ता है, कई सारी हीलिंग होती है जो बॉडी को करना होता है। बट जब बॉडी हर वक्त इस खाने को पचाने में ही लगी रहेगी तो वो इस हीलिंग प्रोसेस पे ध्यान नहीं दे पाती है। इसी के चलते एक छोटी सी परेशानी शरीर में कहीं कहीं एक अंदर एक छोटी सी परेशानी होती है जिसकी हीलिंग ना होने की वजह से आगे चल के वो एक बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है। और एक प्रॉब्लम ये है कि जब आप जरूरत से ज्यादा खाना खाते हैं तो
आपको आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है उसको पचाने के लिए, जिसकी वजह से फिर आपकी बॉडी जो है वो रेस्ट डिमांड करती है और आप में आलस आता है। आपने ये चीज नोटिस भी की होगी कि जिस दिन आपने बहुत ज्यादा खाना खा लिया है उसके बाद इमिजिएटली आपको आलस आता है, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो ऑलरेडी काम कर रही है और वो दूसरे काम के लिए और काम के लिए रेडी नहीं है। वो आपसे रेस्ट की डिमांड करती है, आप में आलस आता है और आपको नींद सी लगती है। तो अगर आप जरूरत से ज्यादा खाते हैं हर वक्त, फिर आप आलसी महसूस, मतलब आलस आता है आप में जो लेजीनेस है वो फिर कई सारी चीजों में अफेक्ट करता है आपकी लाइफ में। आप जो कुछ अपने शरीर के लिए करना चाहते हैं, अपने घर वालों के लिए करना चाहते हैं, अपने आसपास के लोगों के लिए करना चाहते हैं, या फिर आप अपनी करियर में जो कुछ करना चाहते हैं, या फिर अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उस पर आप अच्छे से फोकस नहीं कर पाते हैं। इन शॉर्ट आपके फ्यूचर लाइफ कैसी होगी उसको भी अफेक्ट करता है जब आप ओवर ईटिंग करते हैं। आपके लाइफ के जो भी टारगेट्स हैं, आपके जो भी एम्स हैं, उसको अचीव करने में भी आपको मुश्किल आती है। सिर्फ जरूरत से ज्यादा खाना खाना भी एक रीजन उसका हो सकता है कि आप उन चीजों को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, वो चीजें नहीं कर पा रहे हैं जो आप कर सकते थे अगर आप सही अमाउंट खाते। आप इन सिग्नल्स को तभी नोटिस कर पाएंगे जब आप अपने खाने को कॉन्शियसली खा रहे हैं, मतलब पूरा ध्यान आपका आपके खाने पे है, तभी आप अपने शरीर के इन सिग्नल्स को पहचान पाएंगे। अगर आप दूसरे हजार काम करते करते खाना खाएंगे तो आप इन चीजों को पहचान नहीं पाएंगे। और एक चीज, जब आप अपने घर की किचन में बना हुआ खाना खाएंगे, जिसको एक्चुअली में खाना कहना चाहिए, जिससे हमारे शरीर को ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है, वैसा खाना खाएंगे, तो ये सिग्नल्स को पहचानना ज्यादा आसान होता है कंपेयर टू जब आप पैकेज या प्रोसेस फूड खाते हैं। उस खाने के साथ इन सिग्नल्स को पहचानना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए खाने को कॉन्शियसली खाइए, होल रियल फूड्स खाइए जो आपके घर की किचन में बनता हो, और इन तीन बॉडी सिग्नल्स को फॉलो करिए। और जब आपकी बॉडी ये सिग्नल्स दे तो खाना जो है वो आपको रुका देना चाहिए। और एक चीज, पहले ही दिन से, पहले ही बार से, आप जरूरी नहीं है कि आप इस चीज को नोटिस कर पाएंगे। ये तीनों चीजें जो है प्रैक्टिस के साथ आपको आएंगी। कोशिश करते रहिए, रोज इस खाने को कॉन्शियसली खाइए और इन चीजों को नोटिस करिए, फिर आप देखेंगे कि आपको ये सिग्नल्स जो है वो पहचान में आ रहे हैं, और फिर आप अपने ऊपर वो कंट्रोल ला पाएंगे कि आप सही टाइम पे खाने को स्टॉप कर पाएंगे। सो यस, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को प्लीज थम्स अप दीजिएगा, बहुत से लोगों के साथ इसको शेयर करिएगा, क्योंकि ये वीडियो सबके लिए यूजफुल ही होगी। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए, आगे भी आपको ऐसे यूजफुल वीडियोस मिलते रहेंगे। मैं जल्द आपको मिलूंगी अपने एक नए वीडियो के साथ। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड कीप लविंग योर सेल्फ। बाय बाय।